सो गाइस, दिस कमेलियन यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है काइनमास्टर के अंदर आप फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। जी हाँ, काइनमास्टर के अंदर आप जिस तरीके से वीडियो एडिट करते हो, सेम इसी तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर फोटो भी एडिटिंग कर सकते हो, और फोटो को एडिट करके आप उसे फोटो के फॉर्मेट में अपनी गैलरी पर सेव कर सकते हो। तो इन सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो पर सिखाए है। वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से 3:4 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। ये जो आपको नीचे मिलता है ये वाला एस्पेक्ट रेशियो 3:4, आप इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको राइट साइड के कोने पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको मिलता है इमेज एसेट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना। सो मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। सो सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद राइट साइड के कोना पर आपको एक क्रॉस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप सीधा आ जाएंगे काइनमास्टर के अंदर। तो अभी क्या करना है, आपको लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ से मीडिया सिलेक्ट करेंगे। मीडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जिस भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हो काइनमास्टर के अंदर, उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो फोल्डर उसको सिलेक्ट करना है। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो पिक्चर उसको ऐड कर लेना है। सो सिंपली फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर आ जाएगा, और फोटो को आप अपने हिसाब से स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हो, लाइक आप इसे जूम कर सकते हो इस तरीके से, और भी आप क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो, लाइक इस पर क्लिक करके आप क्रॉपिंग कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस फोटो को। सो इसके लिए फ़ोटो पर क्लिक करना, और यहाँ पर फिल्टर मिलता है, आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सो इसको हम जो कर लेते हैं नॉन, और हम सीधा आ जाते हैं एडजस्टमेंट पर। सबसे पहले इसका कॉन्ट्रास्ट को आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर करना चाहते हो कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते, ठीक है। एंड और भी ऑप्शन मिलता है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कर देंगे डन। अभी आपको क्या करना है, सिंपली लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ सब इफेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करना होगा अपने काइनमास्टर के अंदर, सो कलर चेंजर इस इफेक्ट का नाम है। तो इसको ऐड कैसे करना है, ऊपर में आपको यहाँ पर एक आइकन मिलता है एसेट स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा पहुँच जाएंगे काइनमास्टर के एसेट स्टोर के अंदर। सो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कलर, सिंपली कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलता है कलर चेंजर, सिंपली कलर चेंजर पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस कलर चेंजर इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना, लाइक यू वाला इफेक्ट को। सो यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर आपके काइनमास्टर के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। सो उसके बाद क्या करना, आपको यहाँ से आ जाना है बैक। तो यहाँ पर क्रॉस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप आ जाएंगे बैक, और यहाँ पर आपके काइनमास्टर के अंदर ये कलर चेंजर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, आपको कलर चेंजर इफेक्ट पर क्लिक करना है। सो आपके वीडियो पर, सॉरी आपके फोटो पर एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पर कर देंगे डन। सो अभी क्या करना है, इसको आपको अपनी फोटो के ऊपर इस तरीके से सेट कर लेना है, ठीक है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है जो इफेक्ट आपने ऐड किया कलर चेंजर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स, सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है कलर, सिंपली कलर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ सब ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना, मैंने ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर कलर ऑफसेट, एक लाइन मिलता है। सो इस लाइन की मदद से आप इसका जो अमाउंट है उसको 70% से थोड़ा सा ज़्यादा रख लेंगे, लाइक हम यहाँ पर 80% या 78% रख लेते, ओके। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है ह्यू, सो ह्यू का जो अमाउंट उसको सिंपली चेंज करना है, एंड ह्यू का अमाउंट आप जैसे ही चेंज करेंगे आपका फोटो कुछ इस तरीके से कलर ग्रेडिंग हो जाएगी, यानी कि आपके फोटो पर एक इफेक्ट आ जाएगा। सो आप अपनी फोटो को किस तरीके से रिटचिंग करना चाहते हो अपने हिसाब से, उसका इसको यहाँ पे कर देंगे डन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फोटो एडिटिंग हो चुका है, मैंने कुछ इस तरीके से फोटो को एडिट किया। आप यहाँ से कोई दूसरा कलर इफेक्ट भी डाल सकते हो, लाइक जो भी आपको अच्छा लगता है आप कुछ इस टाइप का कलर इफेक्ट भी डाल सकते हो। सो जिस भी कलर का कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो या रिटचिंग करना चाहते हो, आप उस कलर को अपनी फोटो पर अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर आप फोटो को बहुत इजीली एडिटिंग कर सकते हो काइनमास्टर के अंदर, लेकिन बात यह है कि आप इसे कैसे सेव कर सकते हो फोटो के फॉर्मेट में अपनी गैलरी पर। सो यहाँ पर ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये तो हमने एक फ़ोटो ऐड किया, लेकिन ये जो यहाँ पर एक वीडियो बन चुका है। तो कैसे आप इसे फ़ोटो के फॉर्मेट में सेव कर सकते हो अपनी गैलरी में, ताकि बाद में आप इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सको।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, फोटो के फॉर्मेट में सेव करने के लिए आपको लेफ्ट साइड की तरफ कुछ ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन का नाम है कैप्चर एंड सेव, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर एंड सेव, सिंपली आप कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करेंगे। सो कैप्चर एंड सेव सबसे ऊपर में आपको मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पिक्चर है ये फोटो के फॉर्मेट में आपकी गैलरी पर सेव हो चुका है, और सेम इसी क्वालिटी में ये आपकी गैलरी पर जो है सेव हो चुका है। अभी आप इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मीडिया पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो काइन वस्तु के फोल्डर पर आ चुका है, और मैं आपको दिखाया तो ये आप देख सकते हो, ये एक पिक्चर है। सो आप देख सकते हो ये प्ले नहीं हो रहा है, यानी कि फोटो के फॉर्मेट में आपकी गैलरी पर सेव हो चुका है। अभी आप इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप काइनवेस्टर के अंदर बहुत ईजिली फोटो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।